हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी, उसका चैप्टर नंबर टू। और वो क्या है? रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग क्या होता है, पहले हल्का सा समझ लीजिए उसका, फिर उसके बाद हम लोग डीपली उस पर पढ़ेंगे उसके टेक्स्ट को। तो क्या होता है, जैसे कि हम लोग दवा खाते हैं या दवा हमारी बॉडी के अंदर लगाई जाती है, डाली जाती है, तो वो अलग अलग तरीक़ों से हो सकता है, उसी को बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। यानी ड्रग हमारी बॉडी में कैसे जाते हैं उसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं। कभी हम लोग मुँह से खा लेते हैं, कभी क्या होता है कि उसको इंजेक्शन के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर पहुंचा दिया जाता है। तो जो भी तरीके हैं दवा को बॉडी के अंदर पहुंचाने के लिए, बीमारियों को ठीक करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। तो चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन क्या है इसका। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज द पाथ और वे बाई विच द ड्रग इज इंट्रोड्यूस्ड यानी टेकन इन टू बॉडी। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? इज द पाथ और वे। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? एक पाथ मतलब रास्ता है या वे, दोनों का मतलब एक ही है, यानी ये रास्ता या कोई तरीका है बाई विच द ड्रग इज, जिसके ज़रिए से या जिसके द्वारा ड्रग को इंट्रोड्यूस किया जाता है, या ये कह सकते या आप इंट्रोड्यूस की जगह पर ये कह सकते हैं कि टेकन यानी लिया जाता है या एडमिट किया जाता है। कहाँ पे क्या आता है? इनटू बॉडी यानी बॉडी के अंदर। तो इसका क्या मतलब हो गया कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये है कि वो रास्ते या वो तरीके हैं जिनके ज़रिए से या जिनके थ्रू या जिनके द्वारा ड्रग को हमारी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है, पहुँचाया जाता है, उसको बोलते हैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो अलग अलग तरीके हो सकते हैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के। अब जब हम लोग ये बोलेंगे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। अब बार बार मैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की डेफिनेशन नहीं बताऊँगा, इसलिए कि ये वर्ड बार बार यूज़ होगा, ठीक है। तो कह रहे हैं कि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी बॉडी के अंदर ड्रग को एडमिनिस्टर करने के, बॉडी के अंदर लेने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। एंड द चॉइस ऑफ रूट ऑफ एंड द चॉइस ऑफ रूट फॉर द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपेंड्स ऑन। अब ये कह रहे हैं कि हम कौन सा रूट यानी कौन सा पाथ यूज़ करते हैं वो डिपेंड करता है किस पर? इन चीज़ों पर। किस पर डिपेंड करता है? अब अलग अलग रूट हैं, ठीक है, अलग अलग रूट क्या है वो आगे आ रहे हैं। तो अलग अलग रूट हैं तो ऐसा नहीं कि सारे रूट से सारे रास्ते यानी सारे तरीके एक ही बार यूज़ किए जाते हैं, बल्कि कभी कोई दूसरा यूज़ किया जाता है, कभी दूसरा यूज़ किया जाता है, कभी हम लोग मुँह से दवा खा लेते हैं, कभी इंजेक्शन लगा दिया जाता है, कभी हम लोग ऊपर कैसे मान लीजिए लेप वगैरह लगा लेते हैं, क्रीम लगा लेते हैं, सोल्यूशन आता है वो लगा लेते हैं, ऑइंटमेंट्स लगा लेते हैं, लोशन लगा लेते हैं, तो ये सब अलग अलग होता है। तो ये नहीं कि सब एक साथ करते, बल्कि कभी कोई सा कर लेते हैं, कभी कोई सा कर लेते हैं। तो क्यों करते हैं ऐसा? तो यही कह रहे हैं कि द चॉइस ऑफ रूट फॉर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपेंड्स, किस पे डिपेंड करता है, यानी अलग अलग हम लोग रूट यूज़ करते हैं, एक्वायर करते हैं, तो वो डिपेंड करता है किस पे? प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रग यानी ड्रग की प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करता है कि वो ड्रग कैसी है, इस पे भी डिपेंड करता है। कैसी का मतलब ये कि उसका नेचर कैसा है, एसिडिक है, बेसिक है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, अलग अलग तरीके की दवाएँ होती हैं, ठीक, लाइक वाटर और लिक्विड सोल्युबिलिटी। यानी ये कि वो दवा एक प्रॉपर्टी क्या है उसकी कि वो दवा वाटर के साथ सोल्यूबल है या लिपिड में सोल्यूबल है, इसको बोलते हैं जैसे हाइड्रोफिलिक या लाइपोफिलिक, ठीक है, कि ये जो दवा है ये पानी के अंदर सोल्यूल हो जाता है, सोल्यूबल है कि नहीं है, पानी के अंदर घुलने वाली है या नहीं है, या ये लिपिड के साथ मतलब रिएक्शन कर जाती है, लिपिड में घुलने वाली है या नहीं है, तो इस पर भी डिपेंड करता है। और किस पर डिपेंड करता है कि वो दवा कैसी है? उसके आयोनाइजेशन पे। आयोनाइजेशन क्या होता है कि जो जैसे दवा कोई भी एटम्स हैं, कोई भी मॉलिक्यूल्स हैं जो कि इलेक्ट्रिकली क्या चार्ज्ड नहीं है, इलेक्ट्रिकली क्या है वो चार्ज नहीं है, लेकिन क्या होता है जब वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन। तो इस पर भी डिपेंड करता है कि वो जो ड्रग हैं वो क्या है, मतलब खाने के बाद वो चार्ज तो नहीं हो जा रहा है, यानी इसका मतलब ये कि उसके अंदर केमिकल चेंजिंग आ रही है, नहीं आ रही, कैसी आ रही है, तो इस पर डिपेंड करता है कि हम लोग कौन सा रूट यूज़ करेंगे दवा को लेने के लिए। दूसरा किस चीज़ पे डिपेंड करता है? थेरापेटिक ऑब्जेक्टिव यानी दवा करने के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो क्या बोलते हैं उद्देश्य हैं, उस पर डिपेंड करता है कि हम लोग किस टाइप की दवा करना चाहते हैं। मतलब ये कि तुरंत उसका असर हो या मतलब धीरे धीरे उसका असर हो,
समझ में आ रहा है कि जैसे कोई दवा होती है जो तुरंत इफेक्ट करती है, रैपिडली इफेक्ट करती है, वन सेट इफेक्ट एक्शन दिखाती है, तो कभी इसकी ज़रूरत होती है और कभी ऐसा होता है कि तुरंत उसका एक्शन नहीं चाहिए बल्कि धीरे धीरे वो अपना काम करे और लंबे समय तक करती रहे। तो इस पर भी डिपेंड करता है कि हम लोग कौन सा रूट यूज़ करेंगे। उसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे रैपिड वन सेट ऑफ एक्शन के तुरंत दवा काम करे, तो इस पर भी डिपेंड करता है कि हम कौन सा रूट यूज़ करेंगे। दूसरा क्या है, लॉन्ग टर्म एडमिनिस्ट्रेशन के वो दवा क्या है धीरे धीरे क्या है बॉडी के अंदर जाती रहे फॉर इफेक्ट टू अ लोकल साइट, या तो फिर ये कि किसी लोकल साइट के ऊपर हमको इफेक्ट डालना है तो उसके हिसाब से फिर अलग हम लोग क्या करते हैं रूट यूज़ करते हैं। लोकल साइट का मतलब ये कि जैसे कि मान लीजिए इस एरिया में हमको क्या है सिर्फ दवा का इफेक्ट चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे लगा दिया उस दवा को, यहाँ पे उसको क्या किया उस दवा को यहाँ पे लगा देंगे, तो ये लोकल साइट पे। तो अलग अलग टाइप की जो दवाएँ हैं अलग अलग उसके रूट भी हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के किस किस टाइप के रूट हैं, यानी दवा को बॉडी के लेने अंदर ले जाने के लिए अलग अलग रास्ते हैं वो कौन कौन से हैं, वही एक क्लासिफिकेशन ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो वो क्या हैं, तीन मेन रूट हैं, एक ओरल रूट, दूसरा क्या है सबलिंगुअल रूट और तीसरा क्या है पेरेंटल रूट। आपको और भी इस तरीके से अलग अलग मतलब क्लासिफिकेशन मिल सकते हैं, जैसे कि एक होता है इंटरनल रूट, एक होता है इंटरनल रूट हो गया, दूसरा आता है पेरेंटल रूट और तीसरा आता है कि लोकल रूट। लेकिन ये वाला क्लासिफिकेशन ज़्यादा ठीक है, सूटेबल लगता है मुझे कि पहला क्या है ओरल रूट, दूसरा क्या है सबलिंगुअल रूट और तीसरा क्या है पेरेंटल रूट। आप इतना ही इसको याद रखिए, आगे इसकी डिटेल हम लोग पढ़ेंगे, ओरल रूट क्या है, सबलिंगुअल रूट क्या है, पेरेंटल रूट क्या है। पहले आप इसको सिर्फ याद रखिए कि रूट कितने टाइप के होते हैं, यानी कितने टाइप के रास्ते हैं या वेज हैं बॉडी के अंदर ड्रग को एडमिनिस्टर करने के, ले जाने के। तो एक है क्या है ओरल रूट, यानी बक्कल कैविटी जो हमारा माउथ वाला हो गया। सबलिंगुअल हो गया जैसे बिलो द टंग, यानी सबलिंगुअल हमारी टंग के नीचे रखते हैं जो दवा, तो उसको बोलते हैं सबलिंगुअल रूट है, वो हमारी मतलब टंग के नीचे जो जहाँ से दवा अंदर एडमिनिस्टर होती है वो होता है सबलिंगुअल रूट। एक होता है पेरेंटल रूट अदर देन GIT, यानी कि GIT के अलावा जो भी तरीके हैं वो सब आएंगे किसमें, पेरेंटल रूट में। GIT आप जानते होंगे, GIT मतलब होता है गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी हमारे ये मुंह से लेके और निकलने तक, यानी एनस जो है रेक्टम के नीचे रेक्टम तक जहाँ एनस है, जहाँ से मतलब जैसे कि हमारा एसोफेगस हो गया, स्टोमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर एनस, तो ये पूरा जो रूट है इसको क्या बोलते हैं गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बोलते हैं पूरे इसको, ठीक है। तो कह रहे हैं इसके अलावा, यानी मुंह से खाने के अलावा जो भी तरीके हैं दवा को बॉडी के अंदर इस ले जाने के, उसको हम लोग क्या बोलेंगे पेरेंटल रूट। समझ में आ गया कि मुंह से न खाएं बल्कि उसके अलावा जितने भी तरीके हैं बॉडी के अंदर दवा को इस एडमिनिस्टर करने का, दवा को अंदर इंसर्ट करने के जितने भी तरीके हैं वो सब किस में आएंगे, पेरेंटल रूट में आएंगे। पेरेंटल रूट अब कई तरीके के हो सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो अब क्या है पेरेंटल रूट की क्लासिफिकेशन देखिए, पेरेंटल रूट क्या हो सकता है, एक होता हो सकता है इंजेक्शन, पेरेंटल रूट क्या है एक इंजेक्शन की तरह हो सकता है, इंजेक्शन एक हो सकता है। दूसरा क्या है पेरेंटल, इन्हेलेशन क्या है इन्हेलेशन, इन्हेलेशन का मतलब जानते होंगे अभी बता रहा हूँ, ठीक है। तीसरा क्या है लोकल, तो सबसे पहला क्या है इंजेक्शन, क्या है तो ये एप्लीकेशन यहाँ नहीं आएगा, ये आएगा यहाँ पे लोकल एप्लीकेशन। ठीक है लोकल एप्लीकेशन क्या, पहला इंजेक्शन, पेरेंटल रूट में क्या आते हैं तीन, एक आएगा इंजेक्शन, दूसरा आएगा इन्हेलेशन, तीसरा क्या आएगा लोकल एप्लीकेशन। ठीक है लोकल एप्लीकेशन, इंजेक्शन एप्लीकेशन नहीं है बल्कि क्या है लोकल एप्लीकेशन। ये तीन हो गए किसके पेरेंटल रूट के। अब पेरेंटल में एक होता है इंजेक्शन, यानी जो इंजेक्शन के थ्रू जिसमें दवा दी जाती है। अब देखते हैं हम लोग इंजेक्शन, तो इंजेक्शन कई तरीके से लगते हैं लेकिन इसमें से चार आप ध्यान रखिए ये ज़्यादा मेन है। पहला क्या है इंट्राडर्मल, पहला क्या है इंट्राडर्मल, दूसरा क्या है इंट्रावेनस, तीसरा क्या है इंट्रामस्कुलर, चौथा क्या है सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस अब देखते हैं क्या क्या होता है। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए स्किन, आपकी ये स्किन है तो इसमें तीन लेयर मेन तौर पे होती है, तीन लेयर होती है स्पेशली, एक होती है एपिडर्मिस, पहली वाली लेयर ये मान लीजिए एपिडर्मिस, दूसरा होती है ये जो होती है वो डर्मिस होती है, तीसरी लेयर जो होती है वो क्या होती है सबक्यूटेनियस। ठीक,
तो अब ये देखिए इंट्राडर्मल, तो मतलब इस वाले लेयर में जब इंजेक्शन लगता है तो ये हो जाएगा इंट्राडर्मल, ठीक है। स्किन के जो बीच वाला लेयर है जिसको डर्मिस बोलते हैं हम लोग, तो उस वाले लेयर में जब इंजेक्शन लगता है तो उसको बोलते हैं इंट्राडर्मल, ठीक है। और दूसरा क्या, इंट्रावेनस। इंट्रावेनस का मतलब क्या होता है, जो हमारी नसें होती हैं, नस तो जानते होंगे जिसको ब्लड वेसल्स बोलते हैं, जैसे आर्टरीज हो गई, वेन्स हो गई, तो जो ब्लड वेसल्स हैं इसके अंदर जब मतलब ड्रग जाता है, डायरेक्ट इंजेक्शन लगा देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, इंट्रावेनस। और तीसरा होता है इंट्रामस्कुलर। इंट्रामस्कुलर का मतलब होता है जो मसल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो गोश्त होता है, जो गूदा होता है उसमें लगता है, तो उसको बोलते हैं इंट्रा मस्कुलर। जैसे कि ज़्यादातर बच्चों के क्या लगते हैं, रेक्टम पे लगाते हैं, तो जो रंप है तो उस पर वहाँ पर गूदा रहता है, तो उस पर जो लगता है वो क्या होता है, इंट्रा मस्कुलर होता है। और चौथा क्या है, सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस में क्या होता है, जो ये नीचे वाली लेयर होती है, तीसरी लेयर, तो जब इंजेक्शन इसमें लगता है तीसरी लेयर में, तो उसको क्या बोलते हैं, सबक्यूटेनियस, सबक्यूटेनियस, ठीक है। ये चार हो गए इंजेक्शन, और भी हैं लेकिन आप इतना याद रखिए, ठीक। और एक क्या है, इनहेलेशन। इनहेलेशन में क्या होता है कि उसको भाप की फॉर्म में क्या है, नाक से इसको अंदर ले लिया जाता है, इनहेल किया जाता है, तो जैसे देखते हैं इनहेलर आते हैं बहुत सारे, तो वो होता है इनहेलेशन, ठीक है। तो ये भी एक पेरेंटल रूट है। और तीसरा क्या है, लोकल एप्लीकेशन। लोकल एप्लीकेशन में क्या आएगा, दो आते हैं इसमें, एक होता है एक्सटर्नल प्रिपरेशन। एक्सटर्नल प्रिपरेशन क्या है, जैसे ऑइंटमेंट्स हो गए, क्रीम्स हो गए, जो मतलब अपने बॉडी के ऊपर किसी लोकल एरिया में, लोकल मतलब ये होता है किसी छोटे से खास एरिया में लगाया जाए। जैसे कि मान लीजिए मेरे इसमें हाथ में दर्द है, तो मैंने यहाँ पे जो दवा क्या किया, रगड़ लिया, लगा लिया, तो ये क्या हो गया, लोकल एरिया पे क्या हो गया, उसी को बोलते हैं एक्सटर्नल, ठीक है। एक्सटर्नल किसी लोकल एरिया में लगा लिया, किसी खास छोटे से एरिया में लगा लिया, तो वो हो जाएगा लोकल में। दूसरा होता है इनेमा। इनेमा क्या होता है, एनस के थ्रू यानी रेक्टम के थ्रू आदमी के क्या है, दवा उसके बॉडी के अंदर पहुँचाई जाती है, तो वो होता है इनेमा। तो ये सारे हो गए। अब हम लोग देखते हैं सिस्टमेटिक तरीके से ओरल रूट के बारे में। सबसे पहला हमने पढ़ा था ना ओरल रूट, आप यहाँ देखिए हमने ये पढ़ा था ओरल रूट। तो अब हम पहले इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पढ़ेंगे किसके, सबलिंगुअल रूट के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पेरेंटल रूट के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ओरल रूट क्या होता है, हल्का सा मैंने दे दिया है आपको इशारा, फिर देख लेते हैं और डिटेल से। तो ओरल रूट क्या है, इन दिस रूट द ड्रग इज प्लेस्ड इन ओरल कैविटी, या ओरल की जगह आप माउथ भी कह सकते हैं या बक्कल कैविटी भी कह सकते हैं, ठीक है। एंड इज सॉलोड अलोंग विद वाटर और मिल्क एक्सेट्रा। और क्या करते हैं उसको हम लोग अंदर क्या करते हैं, निगल लेते हैं, क्या करते हैं, पानी या दूध के जरिए से, दूध की मदद से हम क्या करते हैं, उस दवा को अपने मुँह में रखते हैं। ओरल कैविटी यानी हमारा माउथ जो है, ये ओरल कैविटी है, इसमें रखते हैं और पानी या दूध की मदद से हम क्या करते हैं, उसको अंदर निगल लेते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, ओरल रूट है वो, ठीक। अब इसके हाँ एक चीज़ और, इसमें क्या पढ़ना है, जैसे कि अब ये ओरल रूट हो गया तो इसके डेफिनेशन भी पढ़ना है और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी पढ़ने, जितने भी रूट हैं इसमें सबके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी पढ़ना है। तो ठीक है, अब एडवांटेज देख लेते हैं हम लोग। इट इज़, तो जो ओरल रूट है इसके बारे में क्या है, इट इज़ सेफ रूट फॉर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, के ड्रग को बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करने के लिए ये वाला जो रूट है ओरल रूट, ये क्या है, सेफ है, महफूज है, ठीक है, मतलब इसमें ज़्यादा खतरा नहीं है कोई। दूसरा क्या है, नो स्पेशल स्किल इज़ रिक्वायर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, ये कह रहे हैं कि ड्रग को बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करने के लिए कोई स्पेशल स्किल की ज़रूरत नहीं होती, यानी कोई भी आदमी लेके खा सकता है। इंजेक्शन लगाने के लिए हर आदमी क्या अपना इंजेक्शन नहीं लगा सकता है, तो उसके लिए एक स्किल की ज़रूरत है, लेकिन ओरल रूट के लिए यानी जो दवा हम लोग अपने मुँह से खाते हैं उसके लिए कोई स्किल की ज़रूरत नहीं है, कोई भी आसानी से खा सकता है। इसलिए क्या है, इट इज़ वेरी कन्वीनियंट रूट, ये क्या है, बहुत आरामदह, क्या है ये, बहुत सहूलत वाली और बहुत आरामदेह रूट है, कन्वीनियंट है, यानी बहुत आसान है। चौथा इसका बेनिफिट क्या है, एडवांटेज क्या है, इसको मेरिट भी बोलते हैं, ठीक है। तो चौथा मेरिट क्या है, देयर आर लो पॉसिबिलिटी ऑफ एडवर्स इफेक्ट रिएक्शन, देयर आर लो पॉसिबिलिटी ऑफ एडवर्स इफेक्ट रिएक्शन। एडवर्स इफेक्ट रिएक्शन की पॉसिबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी मतलब होता है कि संभावना, क्या होता है, पॉसिबिलिटी मतलब संभावना। तो कह रहे हैं कि एडवर्स इफेक्ट रिएक्शन का क्या संभावना बहुत कम होता है इसमें जो ओरल रूट से हम लोग लेते हैं। अब एडवर्स इफेक्ट क्या होता है कि जैसे कि दवा हम लोग देते हैं तो कुछ होता है एक साइड इफेक्ट, मतलब जो हमको ये अंदाज़ा रहता है, गेज कर सकते हैं कि ये इफेक्ट आ सकते हैं दवा खाने के बाद। लेकिन एडवर्स इफेक्ट ये होता है कि जो हमको मालूम नहीं होता, जिसको हम लोग बोलते हैं अनवांटेड या अनडिज़ायर्ड
यानी जो हम चाह नहीं रहे थे कभी, वो ऐसा भी क्या होता है जो हमको पहले से मालूम नहीं था वो भी इफ़ेक्ट दिखने लग जाता है, तो उसको बोलते हैं एडवर्स इफ़ेक्ट। तो इस वाले में ऐसा होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, क्योंकि जो ये दवा इस रास्ते से ली जाती है उसका बहुत सारा पावर कम हो जाता है, डिग्रेड हो जाती है दवा, क्योंकि उसमें मेटाबोलिज्म हो जाता है और भी बहुत सारे एंजाइम वगैरह मिलकर उसको थोड़ा सा डिग्रेड कर देते हैं। पांचवा क्या है, इसका जो बेनिफिट है, जो एडवांटेज है, स्टेरिलाइजेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर ड्रग टेकन ओरली। ये कह रहे हैं कि जो ओरली जो दवा ली जाती है, जो माउस से ली जाती है दवा, उसके लिए स्टेरिलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है। स्टेरिलाइजेशन क्या होता है, जैसे इंजेक्शन वगैरह जो दवाएं आती हैं या आँख में डालने वाली जो दवाएं आती हैं उसका स्टेरिलाइजेशन होता है। स्टेरिलाइजेशन मतलब उसको हीट दिया जाता है, इतनी हीट दी जाती है कि उसके अंदर अगर बैक्टीरिया वगैरह है तो वो सब क्या होता है, मर जाते हैं। और अगर उसमें जो पायरोजन वगैरह, पायरोजन का मतलब ये होता है कि बैक्टीरिया का जो केमिकल वगैरह है उससे भी निकाल दिया जाता है उसके अंदर से, तो उसको स्टेरिलाइजेशन किया जाता है, तो वो इसमें नहीं करने की ज़रूरत नहीं होती है। तीसरा क्या, लार्ज अमाउंट ऑफ ड्रग कैन बी एडमिनिस्टर बाय दिस रूट। कह रहे हैं कि इस रूट के थ्रू क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ ड्रग को क्या है, हम ले सकते हैं। यानी मान लीजिए इंजेक्शन के थ्रू बहुत ज़्यादा इतनी सारी दवाएं, आपको मिसाल दे रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ कि जो मतलब इंजेक्शन होता है उसके थ्रू ज़्यादा दवाएं नहीं दे सकते हैं, लेकिन जो ओरल रूट क्या है उसके थ्रू क्या है, अगर ज़रूरत पड़े तो मान लीजिए उल्टी करवानी है तो बहुत सारी दवा उसको क्या है पिला सकते हैं। मान लीजिए किसी ने जहर खा लिया, किसी ने पॉइजन ले लिया तो उसको उल्टी करवाना है तो बहुत सारी दवा उसको क्या है, एक बोतल भी पिलाना पड़े तो पिला सकते हैं, लेकिन इंजेक्शन के थ्रू इतना ज़्यादा नहीं लगा सकते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट आ जाएगा। तो ये सातवां क्या है, दिस रूट इज़ पेनलेस। क्या ये रूट जो इसमें कोई दर्द वर्द नहीं होता है, इंजेक्शन में तो क्या बच्चा क्या बड़े लोग भी डर जाते हैं, नहीं हमको नहीं लगवाना इंजेक्शन, तो लोग उससे डरते हैं, लेकिन इसमें किसी इंजेक्शन कोई डर और नहीं होता है, इसमें हर कोई दर्द नहीं होता किसी को। आठवां क्या है, दिस रूट इज़ इकोनॉमिकल। और ये रूट जो है ये क्या इकोनॉमिकल यानी सस्ता, यानी ये इसकी जो दवाएं आती हैं वो सस्ती आती हैं। ठीक है, ये 8 पॉइंट हो गए, आप अपने हिसाब से इसमें घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं, मैंने अपने हिसाब से जो आसान करने की कोशिश की है। अब हम लोग देख लेते हैं इसके डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज में क्या है, किसके है ये डिसएडवांटेज, ये हम लोग जो ओरल रूट पढ़ रहे हैं तो उसका कुछ फ़ायदे हैं तो उसके कुछ नुकसान भी होते हैं। तो नुकसान में क्या होता है, डिसएडवांटेज तो क्या, वन सेट ऑफ एक्शन इज़ स्लो, यानी हम ये चाहें कि दवा खाते ही तुरंत उसका एक्शन दिखने लगे तो ये नहीं होता इसमें, बल्कि इसका एक्शन क्या होता है, स्लो होता है, ये मतलब इसका। दूसरा क्या है, दिस रूट इज़ नॉट यूज़फुल इन क्लिनिकल इमरजेंसीज़। ये कह रहे हैं कि ये वाला रूट क्या है, यूज़फुल नहीं है, इतना कारआमद नहीं है, इतना फ़ायदेमंद नहीं है, इतना हेल्पफुल नहीं है, किसमें, क्लिनिकल इमरजेंसीज़ में। इमरजेंसी जब कंडीशन होती है, जैसे कि मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया और उसको एकदम से मतलब उसको बहुत दर्द हो रहा है तो उसको पेन किलर दवा देनी है तो मुंह से खिलाएंगे, या ये कि वो उसका मतलब चोट लग गई है मुंह से खा ही नहीं सकता है, तो फिर इस वाले में क्या है, हम लोग मुंह से दवा नहीं दे पाएंगे, ओरल रूट क्या है, यूज़फुल नहीं होगा, बल्कि उसको क्या करेंगे, इंजेक्शन दिया जाएगा। तो वही कह रहे हैं कि इमरजेंसी जो कंडीशन होती हैं उसमें ये वाला रूट क्या है, उतना सूटेबल नहीं होता, यूज़फुल नहीं होता है। तीसरा क्या है, दिस रूट इज़ नॉट यूज़फुल इन अनकॉन्शियस एंड अनकोऑपरेटिव पेशेंट। ये वाला जो रूट है वो क्या है, जो अनकॉन्शियस लोग हैं यानी जो बेहोश हो गया है उसके लिए भी क्या है, ये वाला रूट क्या है, यूज़फुल नहीं है, बेहोश हो गया खुद दवा नहीं खा पाएगा, या जो कि अनकोऑपरेटिव पेशेंट है वो भी नहीं कर पाएंगे। अनकोऑपरेटिव मतलब ये कि जो मतलब अपना मुँह भी नहीं चला पा रहा है, ज़बान भी नहीं चला पा रहा है, जो मतलब दवा खाने में हेल्प ही नहीं कर पा रहा है अपनी, तो अनकोऑपरेटिव है, तो उसको भी क्या है, ये वाला क्या कहते हैं, ओरल रूट से उसको दवाएं नहीं दी जाएंगी, तो उसके लिए भी क्या है, ये वाला रूट क्या है, यूज़फुल नहीं है। चौथा क्या है, दिस रूट इज़ नॉट यूज़फुल इन प्री वोमिटिंग एंड डायरिया पेशेंट। ये कह रहे हैं कि वो पेशेंट जिसको क्या है, दवा खाते ही तुरंत उल्टी हो जा रही है, या ये कि उसको डायरिया यानी दवा खा रहा है तुरंत पेट में से सारा बाहर सब कुछ निकल जा रहा है, तो फिर क्या है, ये वाला रूट क्या है, उसके लिए सूटेबल नहीं है, यूज़फुल नहीं है, कि उल्टी हो जाएगी तो भी बाहर निकल जाएगा और दस्त हो जाएगा तो भी क्या है, सब कुछ बाहर निकल जाएगा, लूज मोशन हो गया उसको, तो वोमिटिंग जिसको हो रही है उसको भी नहीं ये वाला रूट सूटेबल है, और जिसको डायरिया वगैरह उसके लिए भी ये वाला रूट सूटेबल नहीं है। अब ये याद रखना, मान लीजिए आपको भी फार्मासिस्ट बन जाएंगे, दवा देंगे तो किसी को उल्टी आ रही बार बार और आप उसको क्या दे रहे हैं, ऐसी दवा दे रहे हो तुरंत बाहर निकल जा रही है,
तो आपको अब वहाँ पे इंजेक्शन लगाना है, वहाँ पे टेबलेट नहीं देना, कैप्सूल नहीं देने, यानी पिलाने वाली दवाएं खिलाने वाले मुंह से नहीं देंगे, बल्कि आप उसको क्या करेंगे, इंजेक्शन वगैरह लगाएंगे ताकि उसको क्या है दवा काम करे। पांचवा क्या है, दी प्रेजेंस ऑफ फूड इन जीआईटी मे इंटरफेयर विद एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। ये कह रहे हैं कि जो हमारी जीआईटी के अंदर खाना मौजूद है, फूड प्रेजेंट है, तो जैसे हम लोग जो दवा जीआईटी के थ्रू यानी माउथ के थ्रू ले रहे हैं तो वो हमारे स्टोमक में भी जाएगा, जीआईटी में जाएगा, ठीक। तो कह रहे हैं कि जो वहाँ पे फूड प्रेजेंट है तो वो क्या कर सकता है, वो ड्रग के एब्जॉर्प्शन के साथ इंटरफेयर कर सकता है, क्या कर सकता है, ड्रग को सही से एब्जॉर्ब नहीं होने देगा। ये मतलब है कि उसके एब्जॉर्प्शन के साथ इंटरफेयर करता है, यानी हस्तक्षेप करता है, खलल डालता है उसको एब्जॉर्प्शन में। तो ये भी एक इसका नुकसान है, और ओरली दवा लेने का एक डिसएडवांटेज ये है कि जो खाना हमारे पेट के अंदर है वो सही से एब्जॉर्ब होने नहीं देता है ड्रग को। सिक्स क्या है इसका, लो गैस्ट्रिक पीएच, डाइजेस्टिव एंड लीवर इंजाइम्स डिस्ट्रॉय ड्रग। ये कह रहे हैं कि जो हमारा गैस्ट्रिक पीएच है, यानी जो हमारे पेट का जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसका जो पीएच है, तो वो क्या लो है, अगर लो मतलब ज़्यादा एसिडिक है, और फिर जो डाइजेस्टिव और लीवर से निकलने वाले इंजाइम होते हैं हमारे जीआईटी के अंदर, वो सब मिलके क्या करते हैं, ड्रग को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, यानी उसकी पावर को कम कर देते हैं। समझ में आ रहा है कि जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है हमारे पेट के अंदर, स्टोमक के अंदर, वो और लीवर से निकलने वाला इंजाइम या हार्मोन्स वगैरह, और ऐसे ही हमारे हमारी मतलब जो इंटेस्टाइन है उसके थ्रू भी क्या है बहुत सारे जूसेज निकलते हैं, तो वो सब क्या करते हैं, उस दवा को डिस्ट्रॉय करते हैं, यानी उसके पावर को कम कर देते हैं, मेटाबोलाइज कर देते हैं। बिफोर इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इनटू सर्कुलेशन, उसके ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचने से पहले, यानी दवा ब्लड में पहुंचे उससे पहले क्या करते हैं ये लोग, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सातवां बेनिफिट क्या है इसका, इट मे कॉज इरिटेशन इन जीआईटी। ये कह रहे हैं कि जो दवा हम लोग माउथ से ले रहे हैं, ओरली ले रहे हैं, तो उसकी वजह से कभी ऐसा होता है कि हमारे पेट के अंदर, हमारे जीआईटी के अंदर इरिटेशन होता है, जलन होता है बहुत ज़्यादा, तो ये भी क्या है इसका एक डिसएडवांटेज है। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो इस पार्ट में हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे क्या, सबलिंगुअल रूट के बारे में, ठीक है। तो अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और जैसे मैंने फर्स्ट ईयर में बहुत सारे आप लोगों की हेल्प की, नोट्स बना के दिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए, इस साल भी मैं इसकी कोशिश करूँगा, ट्राई करूँगा कि मैं आपके ऐसे हेल्प कर पाऊँ। तो बने रहिए हमारे साथ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।